सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए केतन, बी कमनैत, सीतारा, डी निकेतन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केतन। अगला प्रश्न है, अंकुश न होना का सही अर्थ है? ए लिपटना, बी शरीर को लगना, सी नियंत्रण न होना, डी उपाय सोचना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नियंत्रण न होना। अगला प्रश्न है, गायन में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी यड संधि, डी अयादि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अयादि संधि। अगला प्रश्न है, कर्ण का अनेकार्थी शब्द है? ए कान, बी कतराना, सी तट, डी काटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कान। अगला प्रश्न है, पोखरा शब्द का तत्सम रूप है? ए प्रखर, बी पुष्कर, सी पोषक, डी प्रकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पुष्कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य को पहचानिए। ए नीति, बी नैतिक, सी नाटकीय, डी नियमित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नीति। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए विलक्षण, बी असाधारण, सी लोकातीत, डी अनुपम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुपम। अगला प्रश्न है, मौन का विलोम होगा? ए वीर, बी धीर, सी सज्जन, डी वाचाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी वाचाल। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है? ए अनुसंगिक, बी क्षत्रिय, सी हिंग, डी शारीरिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, अकृति आकृति का श्रुति संभिनार्थक शब्द कौन सा है? ए बुरा कर्म बनावट, बी भोजन फेंकना, सी मतलब धन, डी निर्भय दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बुरा कर्म बनावट। अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए बिनती, बी वेधन, सी विग्रह, डी व्यतीत। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।